क्लासेस आज जो है आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज इस नए वीडियो में देखिएगा, आज हम लोग जो है सांख्यिकी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये रेलवे के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल फिक्स है, आपके सामने लिखा हुआ है बहुलक, जिसको इंग्लिश में मोड करते हैं माध्य, माध्यिका, परिसर, मानक विचलन, विचरण, विचरण। इसमें मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है कि माध्य और माध्यिका क्या होता है। वो माध्य को निकालते समय माध्यिका निकाल देते हैं और माध्यिका निकालते समय माध्य निकाल देते हैं। देखिएगा क्या, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल के माध्यम से आप सब सीख जाओगे। एक ही बात, बस ध्यान से आप देखिएगा इस वीडियो को, और अगर पसंद आएगा तो लाइक करिए। देखिए, जैसे मान लीजिए ये सवाल दिया गया 8033174144। अगर आपसे पूछे बहुलक, क्या पूछे बहुलक मतलब मोड, इसके नाम से स्पष्ट है ना, बहुलक का मतलब मोड, मतलब जो बहुत बार है, जो क्या है बहुत बार है। तो बहुत बार कौन आया है, ये चार देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार तीन बार आया है। अगर आप देखेंगे तीन कितनी बार आया है तो कहेंगे एक बार, दो बार, तो दो ही बार आया है, तो इसका मतलब, और एक भी दो बार आया है तो कहेंगे चार जो है सबसे ज्यादा बार आया है, तो चार क्या हो जाएगा बहुलक, चार क्या होगा बहुलक, और इसी को क्या कहते हैं मोड। तो पहले का आंसर हो गया ये, पहले का आंसर बहुलक निकाल दिया, कितनी आसान है। ठीक, दूसरा क्या पूछा आपसे, माध्य, माध्य का मतलब होता है मीन, मीन का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब क्या, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ लीजिए और उतनी संख्याओं से भाग दीजिए। कैसे लिखिए, जैसे दूसरा सवाल माध्य क्या निकालना है, माध्य देखिए, माध्य मतलब एवरेज भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, तो क्या होगा माध्य, सभी संख्याओं का योग, तो सबको जोड़ेंगे 8+0+3+3+1+7+4+1+4+4 बटा संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दस। अब क्या करेंगे, जोड़िए 8 11 3 14 1 15 15 27 4 26 26 1 27 27 4 31 4 35 जोड़ने पर 35 आया है, और 10 से भाग देंगे तो कितना आ गया 3.5। ये हो गया दूसरे बार, तो आपने आसानी से इसका माध्य निकाल दिया, मतलब मीन निकाल दिया। अब माध्यिका, इसी में लोगों को डाउट, मेन इंपॉर्टेंट ये है। अब आप देखिएगा मीन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देंगे, देखिएगा मीन कैसे निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए, सॉरी मीन तो निकाल दिया, माध्यिका तीसरा, माध्यिका तीसरा निकालना है क्या, माध्यिका, माध्यिका का मतलब मीडियम। इसके लिए क्या होता है, आपको क्या करना है, इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा दीजिए, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही मतलब घटते क्रम, इसको सजा दीजिए। तो हम इसको बढ़ते क्रम में सजा देते थोड़ी आसानी होती है, तो बढ़ते क्रम सजिए, तो इसको आप आरोही क्रम में सजा, पहला स्टेप में क्या होगा, इसको आरोही क्रम में सजाना, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है 0, फिर क्या दिख रहा है 1, 1 कितनी बार आया है 2 बार है, 2 बार लिख लीजिए, फिर क्या है 3 लिख लीजिए, फिर क्या लिख लीजिए 3 हो गया, 4 लिख लीजिए, 4 कितनी बार आया है 3 बार, तो 4 4 4, फिर क्या है 7 7 को भी लिख लीजिए, फिर क्या है 8 8। अब यहाँ पे थोड़ा काउंट भी कर लीजिएगा, नहीं देखा तो छूट जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब सही। अब यन का मान कितना है 10, तो जब यन का मान 10 हो तो 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, क्या आएगा 5, तो 1 2 3 4 5, ये पांचवा टर्म, और उसके आगे बढ़ जाइए छठवां टर्म, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो क्या होगा 7/2 कितना आएगा 7.5। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने माध्य निकाला और माध्यिका निकाला, दोनों तो बराबर आ गए, इसका मतलब बराबर होते क्या दोनों, ऐसा नहीं है, ये इत्तफाक है सवाल कि इसका माध्य भी आ गया और माध्यिका भी आ गया, ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक,
ये समझ में आपको, ये मान लिया क्या मतलब हुआ, यम का मान अगर 10 आया है तो क्या करेंगे आप, 1 2 3 4 चार इधर से और 1 2 3 4 चार इधर से छोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, हो जाएगा। अगला लिखिए, अगला अगला पूछा गया है आपसे परिसर, क्या पूछा गया है परिसर, परिसर का मतलब क्या होता है, ये अभी ये परिसर का सवाल अभी इस बार जो अभी एएलपी का पेपर हुआ था इससे सवाल आ रहा था और मैक्सिमम लोग सोच रहे थे परिसर क्या होता है, वो गलत कर रहे थे। देखिए बहुत आसानी से परिसर क्या होता है, इसको रेंज करते हैं, परिसर का मतलब कुछ भी नहीं, परिसर का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 8 और सबसे छोटा क्या दिख रहा है 0, बस इसी हटा दीजिए, ये इसका परिसर है, आंसर है। मैक्सिमम इसमें गलती करते हैं तो उसे भाग पता नहीं काम दे देते हैं, पता नहीं काम पढ़ लेते हैं, परिसर का मतलब जो सबसे बड़ा वाला है और जो सबसे छोटा वाला है उसका अंतर है, ये परिसर। ठीक, अब यहाँ पे एक सवाल, ये तो आपने क्लियर कर दिया, ये आपने परिसर को पढ़ लिया सही है, अब इसका एग्जाम्पल एक और हम ले रहे हैं ताकि आप और समझ में आ जाए, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, अब इन तीनों को एक साथ इसका एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं ताकि आप अच्छे समझ में आ जाए, एक एग्जाम्पल और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, देखिएगा क्या, एक मान लीजिएगा -2 -3 -9 -5 अगर इसका पूछा जाए क्या परिसर, तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते कैसे, अब यहाँ पे उनको ये नहीं समझ आता है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा इसमें क्या होगा -2 सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा होगा -9, अब इनका अंतर लेंगे तो परिसर आएगा -2 और +9, ये होगा इसका सही है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में ये तीन के बारे में चर्चा करेंगे, अभी इसमें संख्यिकी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको बतानी है सही है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आए हैं तो आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अगर कमेंट करिए कि हम इस तरह की वीडियो आपको कितने अच्छे लग रहे हैं और वो अपने मित्रों में शेयर करिए, ठीक है, थैंक यू। और कोई कमी है नहीं तो बताइए, कोई गलत हो गया है।